नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब में आपका स्वागत है। ये पावर ट्रैक यूरो 50 सुपर मैक्स E11 नेक्स्ट ट्रैक्टर आया है, अभी कंपनी ने लॉन्च किया बिल्कुल नया। ये 20 मार्च की वीडियो है, ये अभी ट्रैक्टर लॉन्च किया है ये नेक्स्ट के नाम से, पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊँगा, जो मेरे को जितना मेरे को नॉलेज है। और जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे ट्रैक्टर लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा या बुरा जैसा भी, अगर जो कमियां लगे वीडियो के अंदर और ट्रैक्टर के अंदर वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में मैं अपनी वीडियो के अंदर सुधार कर सकूं और कंपनी अपने ट्रैक्टर के अंदर सुधार कर सके। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है और 53 HP की कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है, 53 HP का ट्रैक्टर आता है ये, और 98 के बोर के साथ में और 122 स्ट्रोक के साथ में 2960 CC का इसका इंजन है और 2200 इंजन रेटेड RPM के साथ में ट्रैक्टर आता है। और एयर ऑयल बाथ, 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ट्रैक्टर है। और अगर हम इसके जो इसका इंजन है वाटर कूल्ड इंजन के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसके PTO HP की बात करें तो 46 HP की PTO के साथ में ट्रैक्टर आता है। और अगर PTO चक्कर की बात करें 540 इकोनॉमिक राउंड 6 स्प्लाइन के साथ में, और गियर वाले PTO के साथ में है, रिवर्स PTO गियर के साथ PTO है। और ये ट्रैक्टर अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के साथ में हाई लो मीडियम गियर में ये ट्रैक्टर दिया है, इन्होंने कंपनी ने भी लॉन्च किया है हाई लो और मीडियम के साथ में, ABC जो कह देते हैं जिसको, 12+3 गियर के साथ में ये ट्रैक्टर कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के साथ में। और अगर हम इसके क्लच की बात करें तो ये डबल क्लच के साथ में दे दिया ट्रैक्टर, एक क्लच जैसे पहले पैडल ड्यूल होती थी, अब इसमें भी डबल दी है, अलग से पैडल लगाया है क्लच का, 12 इंच की के डाये के साथ में, जो इसकी क्लच प्लेटें हैं दोनों 12 इंच की डाये के साथ में आती हैं इसकी दोनों प्लेटें। और अगर हम इसके लिफ्ट की बात करें तो 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। और अगर इसकी वारंटी की बात करें तो ये 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी है इस ट्रैक्टर की, प्लस में आप इसकी 7 साल की भी वारंटी ले सकते हो ट्रैक्टर की, ये एस्कॉर्ट कंपनी ने एक एडिशनल फीचर दिया है, 7 साल की भी आप वारंटी ले सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर हम इस ट्रैक्टर की पूरे वेट की और एयर आई के एयर बटन के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में आपकी सहायता के लिए रेडी रहता है, केयर बटन के साथ में ट्रैक्टर दिया है आता है। और अगर हम इसकी लिफ्ट 2000 kg की लिफ्ट से लिफ्ट कैपेसिटी 2000 kg की ADDC सेंसिंग के साथ में आती है इसकी। और अगर टोटल वेट की बात करें तो 2250 kg प्लस वेट है इस ट्रैक्टर का। अगर हम इसके ब्रेक की बात करें, ऑयल इम्ब्रिस्ट ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है और 60 लीटर के डीजल टैंक के साथ में ट्रैक्टर है। अगर हम इसके रेट की बात करें, प्राइस की बात करें, 6,75,000 रुपये इसका शोरूम प्राइस है इस ट्रैक्टर का, 6,75,000 रुपये शोरूम प्राइस दिया है। और अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, जो पहले पावर ट्रैक यूरो 50 आता था और इसमें जैसे फ्रंट टायर हैं 650 से 750 के दे दिए इन्होंने, और अगर जो बैक टायर इसका 14928 का टायर आता है इसके अंदर, आप 16928 का भी डाल सकते हो, इसके अंदर ऑप्शनल है, आप अगर अपना चाहते हो अगर ज़्यादा बड़ा टायर चाहिए तो आप डाल सकते हो। 80 kg के बम्पर के साथ में अपने पावर ट्रैक के ट्रैक्टर आते ही हैं। और इसके जो इंजन की सर्विस है वो 2 टाइप में आता है इसका, अगर आप 500 घंटे की सर्विस लेना चाहते हो, 500 घंटे में सर्विस करवाना चाहते हो, वो भी एक ऑप्शन है इसके अंदर, और 250 घंटे का भी ऑप्शन है, आप जो चाहो वैसा ले सकते हो, कम आपके जिससे जिससे मेंटेनेंस कम हो सके, किसान का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और 12 एम्पीयर की बैटरी के साथ में ट्रैक्टर आता है। जैसा कि हम बात करें, ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 53 HP का बॉश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में आता है ट्रैक्टर, अपना तेरा बॉश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 53 HP का ट्रैक्टर और 98 के बोर के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसका ये नेक्स्ट जो कि इसके अंदर स्टिकर हैं वो अलग से लगाएं, ये नेक्स्ट और इधर डीजल सेवर प्लस पावर ट्रैक, ये अपना यूरो 50 सुपर मैक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, 98 के बोर के साथ में। अगर इसका सिंगल पीस बोनट के साथ में है, ये सिंगल लॉक के साथ में, जो एयर क्लीनर है ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आता है ट्रैक्टर, ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में। आइए खोलिए बोनट, खोलिए बोनट, खोलिए इसका आई केयर बटन के साथ में है, ये अपना आई केयर बटन जो इसका इस साइड दिया है, ये रहा ये आई केयर जो कि लिखा भी हुआ है, और ये इधर आई केयर बटन दिया है, आप यहाँ से बटन को दबाओ 3 सेकंड के बाद ये बीप करेगा, उसके बाद आप
आपसे बात होंगी और कस्टमर केयर से डायरेक्ट आपके पास फ़ोन आएगा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर, और उसके बाद आप कस्टमर के साथ अपनी जो भी कंप्लेंट आपकी आप बात कर सकते हो। ये 3-स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ट्रैक्टर आया है नया, सिंगल पीस बोनट के साथ में डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है जो 53 HP का इसका इंजन है अपना, पूरा मजबूत इंजन के साथ में 98 के बोर और 122 स्ट्रोक के साथ में है। 2960 cc के इंजन के साथ में है और PTO का 3 सिलेंडर ये ट्रैक्टर, जो कि अपना ये वाटर इंटरकूलर और जो पावर स्टेयरिंग ऑयल है वो अलग से दिया है ताकि जो पावर स्टेयरिंग की जो सील वगैरह हैं वो ना कटें और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहे। 60 लीटर के डीजल टैंक के साथ में ट्रैक्टर आता है, वाटर सेपरेटर और सिंगल फिल्टर दिया है इसके अंदर, जो कि इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और मेंटेनेंस भी कम होगी इसकी। और जो फ्रंट टायर इसका अपना वो अपना फ़िलहाल 750/16 उधर से दिखाता हूँ, लाइट उधर है, ये अपना 750/16 के टायर के साथ में ट्रैक्टर आता है। रिम है वो भी बड़ा कर दिया, टायर का बेस भी बड़ा कर दिया ताकि ग्राउंड क्लियरेंस है जो नीचे का जो बेस है वो ट्रैक्टर की हाइट बढ़ा सके। अपना फ्रंट एक्सल, ये अपना ड्यूल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है और इधर अपना 12 एम्पियर की बैटरी के साथ में ये अपना हाइड्रोजन लिफ्ट ऑयल फिल्टर, इधर अपना लिफ्ट पंप और पावर स्टीयरिंग पंप के साथ में दोनों तरफ जाली दी है ताकि सेफ्टी के हिसाब से कोई हाथ वगैरह ना जाए अंदर की तरफ। और अगर जो पायदान है इसके, ये अपना हीट गार्ड के साथ में ट्रैक्टर आता है, हीट गार्ड भी दिया है पायदान चढ़ने के लिए ऊपर, और नंबर 1 सेंसिंग के साथ में, लिफ्ट सेंसिंग नंबर 1 के साथ में है, अपना इंडिकेटर वगैरह सारे गार्ड वगैरह बैठने के लिए मुड गार्ड हैं। जो अगर हम इसके क्लच की बात करें तो ये डबल क्लच के साथ में है, ये गियर के लिए क्लच है और ये PTO क्लच अलग से दी है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच के साथ में ट्रैक्टर आ गया है, आप अपना यूज कर सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग नहीं रहा। और जो PTO लीवर है वो यहाँ दिया है, 540 रिवर्स और फॉरवर्ड PTO के साथ में, गियर PTO के साथ में ट्रैक्टर है, रिवर्स PTO सभी प्रकार के PTO इसके अंदर दिए गए हैं। और ये हाई लो मीडियम के साथ में है, ये रहा लो न्यूट्रल सॉरी मीडियम न्यूट्रल लो और हाई ABC जो कह देते हैं वो उस गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है। और इधर अपना लिफ्ट लॉक, आप लिफ्ट को स्लो फास्ट भी कर सकते हो, इससे लॉक भी कर सकते हो, इधर अपना ये भी, और चार्जिंग ऑप्शन के साथ में ट्रैक्टर है, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो अपना कोई भी। और अगर इसके गियर की बात करें 12+3 गियर के साथ में है, बहुत सारी स्पीडें हैं, मैंने इसकी स्पीड की जो है पुराने ट्रैक्टर के साथ में और नए ट्रैक्टर के साथ में कंपेयर किया, इसका स्पीड का भी काफ़ी अंतर है, आपको अपने अनुसार स्पीडें मिलेंगी जैसी आपको स्पीड चाहे। कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स के साथ में आता है, साइड शिफ्टिंग गियर के साथ में ट्रैक्टर रखता है, और जो सीट है वो एडजस्टेबल सीट के साथ में है ट्रैक्टर, आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, आप सीट एडजस्ट कर सकते हो। ये अपना बैठने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, पैर वगैरह रखने के लिए। और इधर जो है अपने कंपनी ने इसके जो दिए टेक्निकल डिटेल्स सारी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो इसकी। और ये अपना स्टीयरिंग घुमाने के लिए इजीली एस्कॉर्ट के लोगों के साथ में आता है ये, और जो इसका मीटर है 2700 RPM के साथ में आता है इसका मीटर। ये अपना फ्यूल गेज, बैटरी गेज, इधर अपना हीटिंग गेज, और ये अपना फ्यूल गेज, सॉरी ये किसी और चीज़ का है, मेरे उसका नहीं पता, ये है भाई आई केयर बटन के साथ में, अरे अपना साइड शिफ्टिंग है, ऑयल इंब्रिस्ट ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर अपना जो लिफ्ट पंप, ये लिफ्ट लीवर दिए हैं ड्राफ्ट और डेप्थ के लिए अलग अलग दिए हैं, और उसमें पोजीशन दे रखी है। जो गियर स्पीड है वो आप अलग अलग इंप्लीमेंट पे, यहाँ से एक चार्ट लगाया कंपनी ने, आप इस चार्ट पे अपना रीड कर सकते हो कौन से इंप्लीमेंट में कौन से गियर में कितनी स्पीड मिलेगी, कितने कौन से गियर में कैसे क्या चलाना है, पूरा डिटेल दी गई इसकी। इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ईजी हो जाए समझना, जो कि टायर वगैरह का साइज़ भी इसके अंदर दिया है, वे इस टायर में ये वाली स्पीड चलेगी इसके अंदर, और 7 साल की गारंटी के साथ में ट्रैक्टर आता है ये। 5+2 अगर आप एक्स्ट्रा करवाना चाहते हो तब ले सकते हो। और जो बैक टायर इसका अपना गुडियर कंपनी के वर्जरा टायर के साथ में आता है, 14/9/28 के टायर के साथ में है, इसके अंदर आप ऑप्शन में 16/9/28 का भी डाल सकते हो। काफ़ी जो व्हील है वो गेज, ये इसका घेरा है जो इसका राउंड है, इसको बड़ा कर दिया कंपनी ने। और अगर हम इसकी लिफ्ट की बात करें तो ये 2000 kg की ADDC सेंसिंग की लिफ्ट के साथ में आता है ट्रैक्टर, और हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह यूज़ करने के लिए आपको अलग से इंडिपेंडेंट लीवर दिया है। अब आपको लिफ्ट लीवर को
से ऑप्शन हटा के अलग से इंडिपेंडेंट लीवर के साथ में दे दिया, जो कि आप इंडिपेंडेंट लीवर से अपने ट्रॉली वगैरह कोई भी इंप्लीमेंट चला सकते हो। और डबल क्विक रिलीज वॉल के साथ में ट्रैक्टर आता है, ये अपना हिच वगैरह है। और पीटीओ है, 540 पीटीओ है, गियर पीटीओ के साथ में है, इकोनॉमिक पीटीओ है, रिवर्स पीटीओ है, सभी प्रकार के पीटीओ, जैसे आपको चाहे वैसे ऑप्शन ले सकते हो। और लिफ्ट एडजस्ट करने के लिए डबल आर्म में दिया, दोनों साइड में आप एडजस्ट कर सकते हो लिफ्ट की। ऑयल बाथ, ऑयल के अंदर डूबा हुआ बैक एक्सल है, ये स्टेबलाइजर वगैरह दोनों साइड में स्टेबलाइजर है अपने, पीछे रिफ्लेक्टर भी दिया है, टॉप लिंक। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीमेंट आप यूज़ करना चाहते हो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और इधर ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर भी दिया है, टोल फ्री नंबर, आप यहाँ पे बात कर सकते हो अपने ट्रैक्टर के लिए। और कंपनी ने हर जगह क्वेश्चन वगैरह दिए हैं कैसे क्या यूज करना है, सारी चीज़ें, स्पॉल वॉल वॉल जो कि ये पूरा यूजेज वगैरह सारी, ये बैक लाइट, ये अपना ये है भाई हीट गार्ड के साथ में। और जो टूल बॉक्स है वो इस साइड में दिया है, छोटा सा टूल बॉक्स, ये है भाई ऑयल बाथ, ये श्री ओ सॉरी वर्ष को बंद, ये है भाई ट्रैक्टर पावर ट्रैक यूरो 50 सुपर मैक्स नेक्स्ट, अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, 6,75,000 रुपये इसका शोरूम प्राइस दिया है कंपनी ने। और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसकी, पुराने यूरो 50 में और नए में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा। और आप बताना जैसी भी वीडियो आपको लग, कुछ कमियां रही हैं कुछ रही होंगी तो आप प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में मैं अपनी वीडियो के अंदर सुधार कर सकूं। और कैसा आपको ट्रैक्टर लगा और क्या क्या एडिशनल फीचर और इसके अंदर देने चाहिए वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि कंपनी आने वाले टाइम में इन चीज़ों को रिव्यू करती है वाकई में, और किसानों का ध्यान में रखते हुए नए ट्रैक्टर लॉन्च करती है, अभी करती रहती है, फीचर चेंज करती रहती है। और जो इसकी है पुराने यूरो 50 की और अभी जो ये हाई लो मीडियम के साथ में आया है, इसकी अभी एक स्पीड टेस्ट की वीडियो बनाई है मैंने अलग से, वो भी डाल दूँ आपके लिए, आप उसमें देख सकते हो स्पीड का कितना डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों में। इसमें काफ़ी स्पीड बढ़ाई है, इंप्रूव की गई है, कम से कम लो भी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा स्पीड, दोनों स्पीडों में काफ़ी अंतर कर दिया इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।